हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो आज का जो व्लॉग है वो फर्स्ट और सेकेंड जैन का कंबाइंड व्लॉग है। तो कैसा रहा हमारा न्यू ईयर का फर्स्ट और सेकेंड डे, ये देखने के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड। बस हो गई थी हमारी मॉर्निंग और अब किकी भी उठ चुकी थी। एक्चुअली जयपुर में अब इतनी ठंड पड़ने लगी है कि किकी आराम से 10 बजे तक आजकल उठती है, क्योंकि वो कोजी होकर ब्लैंकेट के अंदर सोती रहती है और उसे अच्छा लगता है। फिर हुई किकी की मालिश और मालिश के बाद किकी की नानी ने किया किकी को रेडी। और फिर देखिए, मैंने बाहर आकर देखा कि हमारा जोजो हो रखा है बहुत ही ज़्यादा लेज़ी, और जब मैंने उसे टच किया तो उसके कान और उसके नाक बहुत ठंडे हो रखे थे। तो मैंने उसे लाकर शॉल उड़ाया और शॉल उड़ाकर उसे थोड़ा सा कोज़ी किया, बट ये ज़्यादा देर तक रहता नहीं है किसी भी शॉल और ब्लैंकेट में, तो इसी रीज़न से इसे बहुत जल्दी ही ठंड लगती है। तो बस इसके बाद ये कम से कम 2 से 3 घंटा देखिए कितने अच्छे से कोज़ी होकर सोता रहा। फिर मैंने आकर देखा कि हमारी किकी हो गई है रेडी। उसने पहना है चाचू का भेजा हुआ नया ड्रेस, मिकी माउस वाला। और ये देखिए, ये इस तरीके से आजकल ये थंब सकिन करती है, और इसका ये पोस्चर देखो आप, किस तरीके से एक हाथ को दूसरे हाथ से होल्ड करती है। बस अब देखिए, किकी सो चुकी थी और ये किकी का जो फुल पात्री है जो उसके सर के ऊपर रखा हुआ है, हम इसी तरीके से आज कर रखते हैं, क्योंकि किकी आजकल चीज़ें ग्रैब करने लगी है, टर्न होने लगी है, तो ये बहुत रिस्की होता है, तो अब हम इसे ये नहीं पहनाते हैं। फिर मैं आ गई ऊपर पूजा करने। देखिए, मम्मी ने आज इस तरीके से कान्हा जी को किया था रेडी और उन्हें स्वेटर भी पहनाया था जो मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है। फिर मैंने की शिव जी की पूजा। एक्चुअली मैं शादी से पहले एवरी डे शंकर जी की पूजा करती थी, क्योंकि मेरे घर के नीचे ही मंदिर होता था और मैं एवरी डे जाकर उन्हें जल चढ़ाती थी। तो इसीलिए मम्मी ने फिर मुझे एक छोटा सा शिवलिंग लाकर दिया ताकि मैं बाहर ना जा पाऊँ, क्योंकि बाहर जाने के लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं था जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैं इसी तरीके से उनकी रोज़ पूजा करती हूँ और रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। बस फिर हो गई थी मेरी पूजा और मैं पूजा कर नीचे आई, तो मैंने फिर किया किकी को फीड। एक्चुअली किकी आजकल फीड लेने में बहुत ज़्यादा ही ड्रामा करती है, जिसके लिए मुझे डॉक्टर ने पहले ही वॉर्न कर दिया था कि ये सब मेजर चेंजेस अब बच्चे में आएंगे, सो बी प्रिपेयर्ड। तो मैं इस तरीके से किकी को जब भी फीड कराती हूँ, ये देखिए ये बॉटल का कवर अपने आप आजकल खोल लेती है, और खोल कर देखिए उसने किस तरीके से फेंक दिया। और ये आजकल मुझे बोतल भी नहीं पकड़ने देती है, वो चाहती है वो खुद वो बॉटल होल्ड करे। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है आजकल, ये एक टास्क हो गया है किकी को फीड करना। और फिर उसके बाद देखिए, किकी आजकल बेड पे सोना भी नहीं चाहती है, उसे इस तरीके से रिक्लाइन पोजीशन में बैठे रहना बहुत पसंद है, ताकि वे लोगों को देख पाए, खेल पाए, टीवी देख पाए। इसीलिए देखिए, मैं इस तरीके से टीवी के ऑपोजिट टर्न होकर उसे गोद में लेकर बैठी हूँ। बस अब हो रही थी किकी की मालिश, और किकी की मालिश करके मम्मा उसे कर रही थी रेडी, क्योंकि फिर उसे हम 9 बजे के बाद कोशिश करते हैं सुलाने की। बट आजकल किकी में वापस से ये भी एक मेजर चेंज है कि वो 9 बजे नहीं सोकर वो रात को 11 बजे तक सोती है, और उसे सुलाना भी अब एक टास्क है। उसे इस तरीके से खिलाना पड़ता है, उसे लेकर घूमना पड़ता है, तब वो फाइनली जाकर सोती है। और फिर ये देखिए, फाइनली किकी सो गई और फिर मैं भी सोने चली गई, क्योंकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा फीवर आ रहा था और बहुत हेडेक हो रहा था। सुबह सब हो गई थी, सुबह सेकेंड जैन की मॉर्निंग थी और न्यू ईयर का सेकेंड डे था। ये देखिए, किकी की आंखों से पानी गिरना स्टार्ट हो चुका था और किकी को बहुत ज़ोरों से ठंड लग चुकी थी, जो मेरी ही गलती के कारण बेचारे को उसको ठंड लगी थी। और फिर मुझे आई जोजो की रोने की आवाज़, तो मैंने गेट खोल कर देखा, वो बाहर वेट कर रहा था उससे मिलने के लिए। गुड मॉर्निंग।
और ये देखिए हो गई थी दोपहर, और दोपहर को देखिए ये जोजो किस तरीके से अपने ट्रीट्स के साथ खेल रहा है। वो इसी तरीके से ट्रीट्स के साथ पहले खेलता है और फिर उसे खाता है। और फिर आज पीयूष चला गया क्योंकि आज 2nd Jan था और 3rd Jan से उसका कॉलेज खुलने वाला था और उसे कुछ पेपर वर्क था, तो इसीलिए आफ्टरनून में लंच कर कर वो निकल गया। बाद मैंने पिया अदरक का पानी। मैंने अदरक को घीस कर पानी में उबाल कर इसे दिन में 3 से 4 बार ज़रूर पीती हूँ जब भी मुझे सर्दी लगी होती है, तो इससे अच्छे से कफ ड्रेन आउट हो जाता है और ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और फिर ये देखिए मैंने क्या देखा, जोजो ने पूरा सोफ़ा फाड़ दिया। इसे पता नहीं क्या हुआ था, ये बहुत ज़ोरों से स्क्रैच कर रहा था और मैंने देखा कि पूरा सोफ़ा फट चुका है। और देखिए कैसे गिल्ट फील कर रहा है। फिर उसके बाद मैं गई किकी के पास क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था कि किकी की तबीयत खराब हो रही है। उसके आँख से कंटिन्यू पानी गिर रहा था। मैं कांस्टेंट उसका टेम्परेचर चेक कर रही थी तो टेम्परेचर नॉर्मल ही आ रहा था। बट फाइनली जब रात को 8 बजे मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया तो मैंने देखा उसे हाई फीवर हो रखा था, 102 फीवर था। किकी को एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगी हुई थी, तो लास्ट मंथ किकी को जब इतनी सर्दी लगी थी तो डॉक्टर ने सिनारेस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था, तो मैंने सोचा मैं उसे यही मेडिसिन 0.5 ml दे देती हूँ, शायद थोड़ी सी बेटर हो जाए। बट मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि जब मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया जब उसका फीवर नहीं उतर रहा था तो डॉक्टर ने बोला कि ये मेडिसिन तो बैन हो चुका है, आप उसे P100 मेडिसिन 0.6 ml दीजिए और फिर देखिए उसका टेम्परेचर कम होता है कि नहीं। तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बट उसके बाद जब मैंने मेडिसिन दिया तो विदिन 1 hour उसका फीवर उतरा, बट अगेन आफ्टर 2 hours उसको फिर से फीवर आ गया। तो इसका फीवर रात को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कंटिन्यू आता रहा और जाता रहा इन एवरी 2 hours स्पैन, और मैं ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं दे पा रही थी। तो मैं खाटू श्याम जी को बहुत ज़्यादा ही मानती हूँ, तो मैंने जैसे ही खाटू श्याम बाबा जी को मैंने बोला कि आप इसे जल्दी से ठीक कर दीजिए, फिर मैं उसे लेकर आपके दरबार में रहूँगी, आप बिलीव नहीं करोगे 4 बजे उसका फीवर बिल्कुल ठीक हो गया और फिर सुबह मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।